कंटिन्यू करेंगे हम। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं लाइक हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप मेटल को देखेंगे, आप उसे गर्म करेंगे तो आप देखेंगे वो मेल्ट या बॉयल जो होता है उसके लिए उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी वो मेल्ट होगा और बॉयल होगा, इसलिए कहा है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम का सबसे कम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, पोटेशियम का 64 डिग्री सेंटीग्रेड, आयरन का 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, कॉपर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, गैलियम और सीजियम इनका भी सबसे कम पाया जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कि हमारी बॉडी टेम्परेचर, जस्ट लाइक दैट, ये रूम टेम्परेचर। ठीक है, हाई डेंसिटी, क्योंकि मैंने कहा ये कैसे हैं, स्ट्रांग एंड हैवी होते हैं तो इनकी डेंसिटी भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम बिकॉज दे आर सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, जैसे आयरन की 7.8 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब, सोडियम की 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पोटेशियम की 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप देखेंगे आयरन से इन दोनों की तो इनकी डेंसिटी बहुत कम है। सोनरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेटल की खासियत है, मैंने आपको बताया था जैसे आयरन का रिंगलेट स्ट्रक्चर स्कूल्स में नॉर्मली प्रेजेंट होता है जो बेल बजाने के काम आता है। स्ट्रिंग वायर्स, आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम सॉन्ग्स क्रिएट करते हैं जैसे गिटार सितार, तो उनके अंदर जो वायर लगी होती है किस वो मेटल की वायर्स होती हैं उनका यूज किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा मेटल के अपने कुछ कलर्स होते हैं, कुछ ही मेटल्स के अपने कलर्स हैं जस्ट लाइक दैट, जैसे कि सिल्वर को देखेंगे ग्रेइश कलर, कॉपर को देखेंगे रेडिश ब्राउन कलर एंड गोल्ड को देखेंगे येलो इन कलर। तो ये तो सारी प्रॉपर्टी थी हमारे मेटल्स की, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बिल्कुल अपोजिट है आपके मेटल की। ठीक है, नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ना तो इनको हम पीट की थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना ही गर्म करके वायर में कन्वर्ट कर, बिकॉज ये इजिली क्या हो जाते हैं, ब्रोकन डाउन, टूट जाते हैं। डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो ना तो ये हीट एब्जॉर्ब कर पाते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को पास कर पाते हैं, इसलिए ना तो इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं एंड नहीं हीट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन को छोड़ के, और कार्बन में भी कार्बन की जो फॉर्म थी एलोट्रॉफ थी जिसको हमने कहा था ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स में यूज किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कार्बन किसमें आता है, नॉन मेटल में आता है और उसकी एक फॉर्म है ग्रेफाइट जिसे इलेक्ट्रोड में यूज किया जाता है क्योंकि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉट लस्टर, कैसा है, इनमें शाइन नहीं होती, डल होती, बट आयोडीन को आप देखेंगे उसमें लस्टर मतलब येलोइश कलर दिखता है जो चमकता है। ठीक है, जनरली सॉफ्ट, सारे ही सॉफ्ट होते हैं बट डायमंड हार्ड, मैंने अभी बताया यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल है कि कार्बन की एक और अदर फॉर्म है जो कि हार्डनेस शो करती है जैसे कि डायमंड। नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं है, इजिली ब्रोकन हो जाते हैं, मैंने आपको बताया इजिली ब्रोकन लाइक ग्रेफाइट। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, खासियत है कि हमारी जो नॉन मेटल्स हैं वो तीनों फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड में भी लिक्विड में भी एंड गैस में, जबकि हमारे जो आपके मेटल्स थे वो सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सॉरी हाँ सोडियम एंड पोटेशियम हम बात कर रहे थे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, कार्बन सल्फर एंड फॉस्फोरस देखेंगे तो वो सॉलिड इन नेचर, ब्रोमीन बहुत बार पूछा जाता है नॉन मेटल है और लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन। गैस फॉर्म में हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन, ये सब गैस फॉर्म में इजिली प्रेजेंट होते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड नहीं है, ठीक है हार्ड नहीं है तो इनका बॉइलिंग और जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है एक्सेप्ट डायमंड, क्योंकि डायमंड क्या है, सॉलिड है हार्ड। ठीक है, सिल्वर का 115 डिग्री सेंटीग्रेड और डायमंड का देखा जाए तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि वो हार्ड है सॉलिड फॉर्म में है। लो डेंसिटी, क्योंकि इनकी हैवी नहीं है स्ट्रांग नहीं है तो कैसे ये डेंसिटी इनकी कम, जैसे कि सल्फर की 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नॉन सोनरस, जब हार्ड ही नहीं है सॉलिड नहीं है तो हम इन्हें किसी चीज से भी पीटेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। मैनी डिफरेंट कलर, अलग अलग टाइप के नॉन मेटल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे सल्फर येलो इन कलर, फॉस्फोरस व्हाइट एंड रेड इन कलर, ग्रेफाइट ब्लैक इन कलर, क्लोरीन येलोइश ग्रीन कलर एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलरलेस, कोई कलर नहीं होता।
तो मेन ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल एंड नॉन मेटल की, और इसी बेसिस पर उनको क्या किया है मेटल में और नॉन मेटल में डिवाइड किया गया है। थैंक यू एवरीवन।